हमें ये वाला बॉटल बनाना था जो सामान आप सबके पास पहुंच चुका है। हाँ, आपको ये वाला लैंप आपने वीडियो में देखा था, ये वाली बॉटल आपने देखी थी एड में। उसके लिए ये, ठीक है, इस बॉटल को बनाने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो होगा मिरर पेस्टिंग, फर्स्ट स्टेप। तो हम सबसे पहले ये मिरर्स लगाएंगे। ये सेम बॉटल मैंने ली है, जैसे कि आपको क्लियर रहे डेमो में। अभी मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। ये बॉटल है, अब हम मिरर में ये वाला शेप का मिरर है आपके पास, जो आपके पास पहुंचा है, राउंड शेप मिरर लेंगे हम। आप चाहें तो इसमें डिफरेंट डिजाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको भी सेम डिजाइन बता रही हूँ, बट आप डिफरेंट शेप्स के मिरर के साथ, लाइक स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इस टाइप के मिरर्स के साथ भी आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे ये स्क्वायर्स में है, अगर डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्क्वायर्स होते हैं, ट्रायंगुलर शेप्स रहती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ ये भी। ये ट्रायंगुलर शेप्स हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो डिजाइन। जैसे ये आप फ्लोरल देख रहे हैं, ये फ्लोरल डिजाइन है, इसकी जगह आप इससे भी फ्लावर्स बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ ड्रॉप शेप। बट अभी हम ड्रॉप शेप को ही लेके काम करेंगे। हम फेविकोल लेंगे। सबसे पहले हमें पैटर्न बनाना है क्योंकि इसमें, सो विल स्टार्ट पेस्टिंग मिरर्स। हमें जो भी फ्लावर का शेप बनाना है हम एक साथ लगा लेंगे इसमें फेविकोल। आप पहले फ्लावर की शेप बनाएंगे, अकॉर्डिंगली आप पहले सेंटर का मिरर लगाएंगे। पहले आप हमेशा जब भी कोई फ्लावर बना रहे हो प्लस फॉर्म में मिरर्स लगाएंगे, जैसे कि डिस्टेंस आपका मिरर्स का जो रहता है पेटल्स के बीच में वो ठीक रहेगा। फेविकोल इतनी जल्दी नहीं सूखता, तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने फ्लावर की शेप को अकॉर्डिंगली। ये आपका रेडी है। आप चाहो तो इसको बिल्कुल टच करके भी बना सकते हो लाइक दिस, फिर इसमें डिस्टेंस थोड़ा सा पेटल्स के बीच में कम हो जाता है, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन डू। ठीक है, अब हम ऊपर और नीचे के फ्लावर्स लगाएंगे। ऊपर और नीचे के फ्लावर लगाने से पहले हम इसका एजेस पे मिरर लगा देते हैं। एजेस पे क्योंकि मिरर लगाने हैं तो हम इसमें पूरा पूरा एक फेविकोल की लेयर दे देंगे। यहाँ पर हमें फेविकोल बहुत अच्छे से लगाना है, नहीं तो क्या होता है जब हम पीओपी का काम करते हैं, पीओपी में क्योंकि पानी रहता है, अगर हल्की लेयर फेविकोल की होती है तो मिरर्स निकल जाते हैं। मिरर्स को हमें बहुत टाइटली पैक करना है इसके साथ, तो अच्छे से फेविकोल की लेयर देनी है। बहुत थोड़ा सा आपस में गैप देते हुए हमें यहाँ से ऐसे टच करते हुए लाइन को सीधा करना है मिरर्स की। ये हमारी लाइन हो गई है।
इतना आप देख सकते हो। अब हम ये वाला फ्लावर लगा देंगे क्योंकि हमें ये लाइन मिल गई है। सो सिमिलरली इसमें भी हम एक सेंटर फेविकोल, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर मिरर के नीचे अच्छे से होना चाहिए। आपको ये देखना है सेंटर के लिए ये वाला जो पेटल है ये बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए, एक के सामने बिल्कुल दूसरा होना चाहिए। अब हम इस साइड वाली लाइन लगाएंगे इस वाले फ्लावर के बाद। आप देख रहे हो मैं फेविकोल बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ये जो हमारा लास्ट वाला मिरर है बिल्कुल इसके साथ, आप जब आप फेविकोल लगाओगे आप देखोगे थोड़ा आपका मिरर ब्लीड करता है, तो वो आपको बार बार रीसेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मिरर रख दिया तो वो वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, स्पेशली जहाँ पर आपका स्लांटिंग सरफेस है। ये आपका यहाँ तक आ गया। सिमिलरली हम दूसरी साइड पे करेंगे। मिरर में फेविकोल लगाने के बाद जो हमें ये पीओपी वर्क करना रहता है उसके लिए हमें काफी देर तक वेट करना होता है, क्योंकि जब तक हमारे ये फेविकोल अच्छे से नहीं सूख जाता तब तक हम पीओपी अप्लाई नहीं करते हैं इसके ऊपर। आप जब मिरर्स लगाओगे ये चीज़ आपको खुद ऑब्जर्व करनी है कि ये वाली जो डिस्टेंस है फ्लावर के बाद दोनों जगह जो खाली स्पेस है ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। ये आपको देख के करना है कि जितना गैप इधर है उतना ही गैप इधर रहे आपका। ये आपकी दोनों साइड लाइन आ गई है, हल्का सा प्रेस करूंगी और यहाँ पर आप बॉटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर राउंड शेप देंगे। और ज़रूरी नहीं है आपको इसी शेप की बॉटल लेनी है, आप प्रॉपर राउंड स्क्वायर किसी भी बॉटल पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के साथ काम कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के मिरर्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिज़ाइंस। ये आपका मिरर
का फ्रंट पोर्शन। अब हम ये वाला फ्लावर लगाएंगे। ये स्पेसिंग आपको एडजस्ट करनी है। ये देखिए सेम पैटर्न आपको चिपकाना है। अब ये जो स्ट्रिप्स है ये आपको लगानी है। इसमें आप कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, कहीं पे भी बड़ा छोटा या बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप लगा सकते हो। शेप्स लगाएंगे या आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी सेट कर सकते हो, कहीं पे बड़ा छोटा जैसा आपके पास स्पेसिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है इसको। अब इसके लिए मैं ये लेती हूँ, ये वाली शेप्स ये मैं यहाँ निकाल देती हूँ अकॉर्डिंग टू स्पेस। सपोज मेरे को यहाँ पर स्पेस है सो मैं बड़ा सा पीस लगा सकती हूँ। ये वाला पीस हम लगा सकते हैं सो ये यहाँ पर मैं करेंगे। आप उस चीज़ का बार बार ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपका मिरर जैसे ये वाला आप देख रहे हो ये ब्लीड कर रहा है नीचे की तरफ, सो ये हमें वापस से जगह पे लाना है। एक सूखने के बाद ये ठीक नहीं हो पाएगा, फिक्स हो जाएगा। सो उससे पहले आपको ये जब तक ये ब्लीड करना नहीं रुक रहा आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला स्पेस है हमारे पास, यहाँ पर भी हम बड़ा भी दे सकते हैं छोटे छोटे भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा ही लगा रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक यहाँ दे सकते हैं एक यहाँ दे सकते हैं। तो ट्राई करते हैं कि दोनों साइड और थोड़ा सा सेम साइज मिल जाए, नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर। ये दो हम ले सकते हैं बट ये ज़्यादा बड़ा है इससे थोड़ा छोटा लेंगे हम। ये दोनों हमने ले लिए, गैप का भी थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। यहाँ पर बहुत छोटा पीस आना है आपका, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो उस एरिया को, चाहो तो एक बहुत छोटा सा पीस आप लगा सकते हो यहाँ पे। ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे। अब ये वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक और छोटा पीस दे सकते हैं हम। मैं बिल्कुल सेम नहीं कर रही हूँ सो आप भी चेंजेस कर सकते हो।
पीस चाहिए, यहाँ फिट हो जाए ओके ये वाला। ये पीस हाँ ये वाला आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ मुझे बहुत छोटा पीस चाहिए सो मैं थोड़ा सा ब्रॉड ले लेती हूँ यहाँ पे लाइक दिस। अब ये स्पेस है, जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैं एक छोटा सा पीस यहाँ पे लगाती हूँ। ये हमारा मिरर पार्ट कंप्लीट हो गया ठीक है। अब इसका जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा ये जो आप व्हाइट पार्ट देख रहे हो पीओपी लगाना, जो थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ये हम तभी लगा पाएंगे जब हमारे मिरर्स कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे। तो हम अभी इसके लिए वेट करेंगे ड्राई करने के लिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग आप देख पाओगे, वेदर पे भी डिपेंड करता है। समर्स में ये बहुत जल्दी सूख जाता है, आपका बरसात होती है जब रेनी सीजन है आपका तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये। सो अगर आपको इसको जल्दी सुखाना है तो आप हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हो इसको सुखाने के लिए।